तो वैसे 2 नवंबर ये तारीख याद रखो, क्योंकि Amazon Prime पे 2 नवंबर को स्टार्ट होने वाला है तकेशिस कैसल। और खतरनाक बात ये है कि इसमें जो आवाज होने वाली है, बैकग्राउंड स्कोर, बैकग्राउंड कमेंट्री, बैकग्राउंड सब कुछ वो होने वाला है टीटू मामा। भुवन बम का जो कैरेक्टर है टीटू मामा, जो सबसे सुपीरियर है, सबसे बेस्ट कैरेक्टर बोल सकते हैं, यही कैरेक्टर की कॉमेंट्री होने वाली है ये पर्टिकुलर तकेशिस कैसल के अंदर। पहले देखो बचपन में जावेद जाफरी के मतलब जो कॉमेंट्री थी वो सुन के खुश होते थे, मगर मतलब ऐसा बोल सकते कि अभी एट प्रेजेंट ना शायद से भुवन बम से अच्छा कोई नहीं कर सकता ये पर्टिकुलर कमेंट्री, कोई नहीं कर सकता। अभी जो डिसीजन लिए ये पर्टिकुलर डिसीजन बहुत जबरदस्त था। रिसेंटली इसका टीजर भी आया था जिसको देख के बहुत एक्साइटेड थे, ट्रेलर भी कली कली आ गया था जिसको देख के एक बात तो कंफर्म है कि मजा आने वाला है। जैसा जावेद जाफरी से मजा आती थी, वो कॉमेंट्री से मजा आती थी, वही चीज देखो नए जमाने में 2023 में, वैसा बोल सकते कि ये सबसे बेस्ट चीज है। भुवन बम का ये कैरेक्टर देखो सबको पसंद है, सब एक्साइटेड है ही है। तो 2 नवंबर को पक्का रेडी रहो। और ना इसके साथ साथ मतलब ऐसा भी है कि कुछ लोग क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं क्योंकि जो भुवन बम के जो डायलॉग्स रहते हैं थोड़ा ज्यादा डबल मीनिंग हो जाते हैं, और कुछ लोग बोल रहे कि नहीं सबसे बेस्ट चीज है। चलते रहता मिक्स रिव्यू चलते रहते सबके। मेरा तो रिव्यू ये है कि भाई मजा आने वाला है। अगर इसके अलावा इसके ऊपर कुछ और प्रोमो आ गया या फिर कुछ न्यूज आ गया तो उन बात करेंगे, मगर फिलहाल देखो ये चीज सबसे अच्छी हुई था कि इसे कैसे लगा रिबूट हुआ तो ये कॉमेंट्री के साथ होने वाला है, तो बेस्ट चीज हुई। और ये चीज के ऊपर आपकी राय क्या है कमेंट करके बोलो। नए है सब्सक्राइब मार दो, नोटिफिकेशन बेल ऑन रखो, ऐसे स्कूप्स आते रहते तो प्लीज ऑन करके रखो। ओके तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।